हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए श्रीकोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलेंगे दीपक भाई से और बातचीत करेंगे कि आज हम इसका दिखाने वाले हैं क्या नहीं, जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इसका दिखाने वाले हो बीटल और सिरोही का ब्रीडर और एक बच्चा भी है। बीटल और सिरोही का ब्रीडर और बच्चे भी है आपके पास। अच्छा, तो जैसे कि आज हम शुरुआत करते हैं कुछ नए, अभी जैसे कि अपन बातों के साथ में कि अभी फार्मिंग नई स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया फार्म स्टार्ट करता चाहता है, गोट फार्मिंग स्टार्ट करता है पूरे इंडिया भर में कहीं भी, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो सफल भी हो जाए। और जैसे कि बात करते हैं कि उसके रेट की बात भी करेंगे, तो पहले शुरुआत करते हैं जैसे कि नए फार्मिंग के लिए आप क्या जानकारी देंगे क्या कि वो फार्मिंग में सक्सेसफुल हो जाए। पहली तो वो अपना फार्म प्रेग्नेंट बकरी से करें, दूसरी बार की प्रेग्नेंट बकरी लेके जाए और दूसरी कोई भी ब्रीड में न पड़े, खाली सिरोही से काम करे, सिरोही नस्ल में काम करे। तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग फार्मिंग के लिए अलग अलग रहते हैं कि भी सिरोही में दूध कम रहता है, बीटल में दूध ज्यादा रहता है, बीटल का बकरा ज्यादा बड़ा बनता है, बीटल की बकरी बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता है। ये सिरोही का बकरा ब्रीडर देख लो, चार दांत में 90 किलो वजन का है। सही बात है, ऐसा नहीं होता कि महंगा होता है तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। तो कैसे कि जैसे कि ब्रीड लाइन कैसे सिलेक्ट करें कि ब्रीड लाइन किस टाइप की लेनी चाहिए, ऐसी लंबी चौड़ी बकरी लेनी चाहिए। अच्छा, लंबी चौड़ी बकरी लेने से उसको ग्रोथ भी मिलती है, बच्चा भी लंबा चौड़ा आएगा आने वाले। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि नए नए फार्मर अभी एंटर हो रहे हैं बहुत सारे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कम रेट के चक्कर में फंसते हैं, कुछ लोग ज्यादा कोई रेट देता है तो उसके पास नहीं लेते। तो मतलब ये मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है उसकी बात बताएंगे, और अन्य तरीके की जो फ्रॉडिंग हो रही है आज की तारीख में अजमेर में जो अपन खुल के नहीं बताएंगे। नहीं हो रही है। हाँ, जो पूरे सब जगह हो रही है, राजस्थान में हो रही है, पूरी इंडिया बकरा लाइन के अंदर फ्रॉडिंग की 90% प्लस है। तो जैसे कि किन किन भिन्न भिन्न प्रकार की फ्रॉडिंग हो रही है तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे आज। पहली बात तो बकरे लाइन के अंदर आपको खरीदी में सावधानी रखनी पड़ती है। किन किन बातों की सावधानी रखनी है, मान लो आपने बोला 220 रुपया मार्केट रेट चल रहा है, 300 रुपये बकरे का, और आप बोल रहे हो 230 240 और आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो पॉसिबल है। हाँ, वो बात भी सही है। मार्केट रेट तलाश करो भाई, आप बोलो वो रेट से दे रहा है वो, तो आप तो मान लो आप 100 रुपये में बोलोगे 100 रुपये में दे देगा, मतलब कि ऐसी बात तो हो गई ना फिर। मान लो आप तो मुफ्त के भाव में मांग रहे हो, ये बकरा है, ये बकरा काटोगे तो मटन का पैसा तो मांगेगा। सही बात है, किसान जो पाल रहा है, आप भी जो पालने जा रहे हो, आप भी जब बेचोगे तो मटन का पैसा तो मांगोगे। सही बात है, बिल्कुल मांगेंगे। मटन का पैसा नहीं हो रहा है उसका मतलब आपके साथ फ्रॉडिंग हो रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि इन सभी फ्रॉडिंग से हमने तो सुने यहाँ पे लोग पैसा देके मारते भी है कस्टमर, पैसा देके मारते। हाँ, मतलब माल नहीं दे रहे। अच्छा, मारते हैं ऐसा। अच्छा, भी हमने यहाँ भी देखा है। अच्छा, इंसान को जैसे कि मतलब कि पैसा जो एडवांस दे रहा है उसके बाद नहीं माल दे रहे और ऊपर मार रहे। माल तो जो लेके आए वो ले जाओ, नहीं ले जा रहे तो मार रहे। अच्छा, मतलब कुछ भी कचरा आया तो कचरा ले जाओ। अच्छा, तो जैसे कि आप अभी इस बात को खोल के बताना चाहेंगे कि किस टाइप का अभी सावधानी रखनी चाहिए, तो आप एक तो रजिस्टर्ड फार्म पे जुड़े जी, रेट अच्छे से रेट में आप तसल्ली कर लीजिए क्योंकि वहाँ मटन रेट क्या है जी, मटन रेट से नीचे दे रहा है तो फ्रॉडिंग होनी पड़ती है, उसको पड़तर ही नहीं खाएगी, फिर कचरा माल देगा आपको। सही बात है। तो बकरियां जो लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में 90 बकरी का वीडियो बताया था जी, बिल्कुल बराबर। 90 बकरी में ये बकरी, उसमें से जो बंदा आया था उसने 2 बकरी सिलेक्ट करी है और बाकी की 8 बकरी को रिजेक्ट करके गया है। अच्छा, 8 बकरी रिजेक्ट करी है ना।
तो मतलब कि आपका तो मुनाफा तो छोड़ो, बाकी मूडी भी अटक गई अभी। वो अलग बात है जी, लेकिन उसका टेम्परेचर कुछ गलत था। हाँ, आप जैसे कि अभी टेम्परेचर की बात बता रहे हैं कि इसके अंदर टैग करने के बाद आप सब कुछ देते हैं बकरी को टेम्परेचर चेक करके, सारी बकरी पर नंबर लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से कैंसिल हुई है। अच्छा अच्छा, तो ये तो ज्यादा बड़ी कोई नहीं, कोई कोई कोई, वो तो टेम्परेचर तो आ जाता है, वापस आ जाएगा, वो तो दवाई कंप्लीट करेंगे तो। वो तो बात सही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में तकलीफ करती है उसको। तो ये तो होता है जैसे कि कोई लंबे डील करना चाहता है तो उसको साहब आप ओपन, अभी दूसरी बारी बंदा लेके जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत सालों से डील चली उसकी, लेकिन कस्टमर की हम सुनते हैं। सही बात है, आप आईने की तरह साफ रहेंगे तो भी सामने वाले को मजा आएगा, आपको मजा आएगा धंधा करने में। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम कस्टमर के लिए रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं कस्टमर के साथ। अच्छा, ग्राहक नहीं समझते इसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी मतलब कि आदत है। कभी भी आप ऑर्डर लगाओ, आपको माल पसंद नहीं आ रहा है, जो भी माल पसंद नहीं आ रहा हटा लो ना। सही बात है, तो बहुत सारे कस्टमर है, मान लो काला रंग का आपको पसंद नहीं आ रहा, दूसरे को काला पसंद आएगा। सही बात है, अगर मान लो आपको स्पॉटर पसंद नहीं आ, स्पॉटर हटा दो, काला पसंद नहीं आ, काला हटा दो, ब्राउन नहीं आता, ब्राउन हटा दो, जो आपको समझ नहीं आया वो हटा दो ना, नहीं यार हटा दो। तो यही तो ऑर्डर के लेते समय हम सारी चीजें पूछते हैं। सही बात है, ऐसा नहीं है कि भी आपको हाँ हाँ करते रहते हैं, आपकी सारी डिटेल सुन ली जाती है, सारी डिटेल बिल में भी दिखी जाएगी। बिल्कुल, लिखित में आप पूरा देते हैं, आपने एडवांस लिया कितना वो भी लिखित में देंगे, कहाँ पर ऑनलाइन लिया, केस लिया, जो भी है लिखित में देंगे, पूरे लिखित में। अच्छा, देंगे, और आपका माल का पूरे पूरा जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी पूरी बिल के अंदर लिखी जाएगी, क्योंकि मैं भी मुंह न फेर लूं और आप भी मुंह न फेर लो। और अगर हो सकता है कि कभी कभी आपके जो मान लो 50 नंग किसी ने ऑर्डर दिया, अब उसके अंदर 40 नंग ही उनके हिसाब से आए और 10 नंग वो अलग आ गए, जो चीज निकाल सकता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी मारा मारी करने वाले हैं ना, जीबा जोड़ी करने वाले हैं, उसके अंदर उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप दिखा सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम नहीं है, माल अच्छा है, आप ले जाओ। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो कलर की वजह से भी रिजेक्ट करते हैं, करते हैं ना, जो मान लो बोलता है स्पॉटेड मंगवा तो स्पॉटेड दूंगा, स्पॉटेड मंगवाया, स्पॉटेड में उसको नहीं जम रहा है कलर। अगर मान लो आपने 10 नंग का लोड उठाया, उसके अंदर दो तो वो सिंगल कलर आ गए, उसके कलर उसकी चॉइस में नहीं आ रहा है, तो हटा लटका सकता है ना। सही बात है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी आपके पास कस्टमर आते होंगे ना। हाँ, आते ना, बट ये है कि एमपी में मेरा 150 नंग का ऑर्डर था, उसके 30 नंग निकाल दिए थे, 30 नंग निकाल दिए 150 में से। हाँ, मैंने खाली रिक्वेस्ट करी, नहीं मोटी जी नहीं जम रहा है मुझे से, दीपक भाई मैं कोई बात नहीं छोड़ दो, नहीं जम रहा है तो। अच्छा अच्छा, एक शब्द नहीं बोला उसको, चलो बहुत अच्छी, खाली रिक्वेस्ट कर सकते। हाँ, अगर आप माल अच्छा है तो आप उसको समझा सकते हो कि भैया देखो भाई ब्लैक कलर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, आप फिटनेस देखो, टीका देखो, बकरी प्रेग्नेंट कन्फर्म है, अगर आपको समझ में आए तो ले जा, वो वाली बात आप बोल सकते हो। बट ये कि जबरदस्ती वाला मामला हमको भी समझ नहीं आता है कि वो बहुत बेकार सिस्टम हो जाती है, वो व्यापार जबरदस्ती व्यापारी नहीं हो, व्यापार लाइन की वो बात नहीं होती। सही बात है, वो व्यापारी थोड़ी होते हैं, व्यापारी तो कोई गुंडागर्दी है, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। और अधिकतर पेमेंट के मामले में किस टाइप की मतलब कि बचाव की जाए, आप पेमेंट फॉर्म पे आके दो, ऑनलाइन किसी को मत दो, न मुझे दो न किसी और को दो। सही बात है, आप पहले चेक करो यूट्यूब वगैरह, वीडियो देख के तुरंत ही एक्शन मत लो, एक्शन मत लो। अगर किसी को अगर मान लो आ नहीं पा रहे हो तो उसके लिए क्या सुविधा है, ऑनलाइन मंगवा सकता है, उसको बड़ौदा तो ऑनलाइन मंगवा सकता है। बट ये है कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें चेकिंग होती है ना, चेकिंग होती है, बहुत सारी चेकिंग होती है, आप फेसबुक देख लो उसका, उसका यूट्यूब देख लो, गलत कमेंट है कि नहीं है वो भी चेक करो, जैसे कि उसका गूगल रिव्यू पढ़ लो, या तो गूगल में आपको रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो भी चीज देख लो, और आपका जो फार्म का नाम है वो रजिस्टर्ड आपको उद्यम में भी दिख जाएगा। हाँ, उद्यम में भी दिख जाएगा, उद्यम सरकारी वेबसाइट है, हमारा तो प्राइवेट लिमिटेड फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड के इन कॉर्पोरेशन में आपको रजिस्टर दिख जाएगा, या तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बहुत सारी, जो जिसमें जाके आप फार्म का नाम डाल के ही आप सर्च कर सकते हैं इन कॉर्पोरेशन में या तो आप उद्यम में। तो अगर वो दोनों में रजिस्टर्ड है तो सीधी सी बात है आपके साथ सीधा सीधा काम है, उसके कोई फ्रॉडिंग नहीं होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में अंडर रजिस्टर्ड में होते हैं, तो वो सावधानी हमेशा बरतते हैं। तो बाकी ये बात हो गई कि सब चेकिंग करने वाली, तो और भी जैसे कि पेमेंट डालती हो आप वीडियो कॉल में चेक कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, तो एक ही चीज़ होती है कि मान लो आपने बकरी सिलेक्ट करी है, उसके ऊपर सिंग पे कलर हो गया, वही बकरी आपके पास आएगी,
हाँ, आपके उसके सामने मतलब ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर सिंह के ऊपर कलर हो जाएगा, वो निशानी हो जाएगी कोई भी प्रकार की, और वो निशानी आपको फोटो भेज दिए। 10 दिन माल पड़ा रहेगा, लेकिन ये आपकी है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो कहीं नहीं जाने वाली। चलो, बहुत अच्छी बात है, जेन्युइनिटी होनी चाहिए, क्योंकि माल हर कोई अपनी पसंद का मंगवाता है तो वो चीज जरूरी होती है। वो अपने उसकी पसंद का ही माल आएगा, उसको हम वीडियो भी देते हैं, वीडियो कॉल करके भी दिखाते भी है कस्टमर को। दो चीज करते हैं, कस्टमर को वीडियो भी देते हैं और वीडियो कॉल करके भी दिखाते हैं। वीडियो कॉल में क्या अच्छे से नहीं दिख पाते, वीडियो में अच्छे से वीडियो भेजो, फोटो भेजो और वीडियो कॉल करके दिखाओ, सारी फैसिलिटी उसको जो प्रोवाइड होती है वो सब चीजें करो। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, लेकिन गलत रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं पूरी होती। सही बात है, जो भी आपके कंडीशन में बैठ रहा है वो चीज आप अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं कंडीशन में बैठ रहा है तो हम दाना कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज होनी चाहिए व्यापार में हमेशा। सब चीजें हर कोई कस्टमर नहीं है सेट होता है, नहीं कस्टमर को मना कर, कोई भी कस्टमर को आप मना कर रहे हो तो आप अपने ईगो पे मत जाओ, वो मना कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि हम उसका सही गाइडेंस दे रहे हैं। उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है ना, मना करने का। सही गाइडेंस में जा रहे हैं उसके साथ, फिर कस्टमर बोलता है कि भाई यार मना कैसे कर दिया, भाई मना नहीं हो रहा है तो मना ही बना ही होगा ना। हाँ, अगर उसको पता नहीं खा रहा तो जेब से नुकसान थोड़ी देगा। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला के हाँ मिला के हाँ मिला के धंधा करता रहूं तो पॉसिबल नहीं है ना। सही बात है, अब मैंने कस्टमर को 5 लाख रिटर्न करा, अब उसके रेट में डिफरेंट, मेरा रेट में डिफरेंट 30 रुपए का खाली था, 30 रुपए का खाली, 30 रुपए में मैंने उसको बकरे चाहिए थे पूरे। अब यहाँ के लोकल लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं तो उसने ईगो पे ले लिया होगा, तो दूसरे उसने ईगो पे ले लिया, मैंने मना कर दिया, 5 लाख वापस कर दिया, उसने ईगो पे ले लिया। लेकिन उसने क्या पाया, 40 बकरी लेके गया यहाँ से। अच्छा, बकरे का ऑर्डर दिया था, बकरी लेके गया, मतलब कि जबरदस्ती माल पहनाया गया, तो क्या उखाड़ लिया उसको, मतलब कि ये तो बहुत गलत है ना। मैं मना कर रहा हूँ तो उसका मतलब कुछ तो होगा ना। चलो ठीक है, कस्टमर अगर पहुंचा हुआ आदमी, मतलब कि जो पैसे वाला आदमी है तो ईगो हो सकता है, लेकिन बट व्यापारी को सोचना चाहिए कि ये सब करना गलत है, उसने ऑर्डर दिया मेल का, फीमेल दे रहे हो आप। नहीं नहीं, वो तो होना ही था, 30 रुपए रेट डिफरेंट था, तो 30 रुपए में बहुत सारी तो ऐसे फ्रॉडिंग, मतलब 30 रुपया नहीं, एक बकरे पे पीछे 1000 रुपए का फर्क आता है। सही बात है, तो ऐसे फ्रॉडिंग तो ऑनलाइन में छोड़ो, ऑफलाइन में भी बहुत होते हैं, और दूसरी बात है ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में ही हुआ है। अच्छा, बंदा खुद लेने आया। अच्छा, और मतलब कि इसमें कितने परसेंटेज सही जेन्युइन फार्म है, राजस्थान के अंदर या अजमेर के अंदर या तो इंडिया के अंदर? पूरे इंडिया की बात करें 10%, और राजस्थान में करें तो 1%, 2%, और राजमेर में तो बोल ही जाओ 0.0 वाला काम हो गया। अब क्या करें, तो मतलब कि यहाँ पर कितने फार्म हो सकते हैं अजमेर में, हमको भी लोग। हाँ, वो तो देखो सीधी सी बात है, आप अगर 100 चोर के बेच में बैठे हो तो आपको ही चोरी बोलेंगे। हाँ, वो तो सीधी सी बात है, वो सारी टोकरियों में से क्या कहते हैं, 100 आम सड़े हुए निकले, 2 अच्छे हो तो भी सड़े हुए ही निकलेगा, वो उसको भी फेंका जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। तो ये तो होना ही है, बट ये है कि सावधानी बरते और अपना जिम्मेदारी से माल ले और अपनी सावधानी पूर्वक माल ले। तो यही थी जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर जरूर करिए, कि ऐसी जानकारी से आप में से किसी भी भाई का अगर भला हो रहा है, अगर आपके किसी भी रिश्ते का भला हो रहा है तो उसके हमारा महत्व यही है। तो आपको सावधान रखना और सतर्क रखना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।